इमामी इंफ्रा इसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं ARS इंफ्रा में भी 8% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। किरण, इन दोनों में आपको किसके टेक्निकल चार्ट पसंद आ रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे आप? अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो मुझे ARS इंफ्रा का चार्ट ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 73-74 के ऊपर होती है, जो कि इस शुक्रवार को होनी है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हिसाब से राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका होगा। थोड़े से और पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, पर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस 70 रहेगा और टारगेट 88 के मान के चलने चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, शायद अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन आपके रडार में डेफिनेटली है ARS इंफ्रा। एक स्टॉक जिसमें शानदार बढ़त आज, डील लिंक, देखिए 12% ऊपर है, आपको इसके टेक्निकल चार्ट कैसे दिख रहे हैं किरण? एक सडन स्पर्ट ऑफ वॉल्यूम आया है प्रियंका जी, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो मेरा मानना है कि मोमेंटम इस स्टॉक में जारी रहेगा। ऐसे हमने पिछले कई बार देखा है कि ऐसे वॉल्यूम स्पर्ट के ऊपर 3-4 दिन तो चलता है स्टॉक, तो डीलिंग के हिसाब से अगर स्टॉक अभी बाय करते हैं तो 122 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 146 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कॉर्नर में MIC इलेक्ट्रॉनिक भी आज हलचल मचा रहा है, 9% ऊपर है, और इसी तरह गिनी फिलामेंट में हम 7% की बढ़त देख रहे हैं। इन दोनों में मैं अगर आपसे पूछूं किसके चार्ट बेहतर है, तो आपकी राय? MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में डेड कैट बाउंस ऐसे दिखाई दे रहा है, अभी तो कुछ कंफर्मेशन दिखाई नहीं दे रही जहां पे आपको बहुत बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, तो मैं अवॉइड रेटिंग दूंगा इस स्टॉक को, इस स्टॉक से दूर रहिए। पर गिनी फिलामेंट्स एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, जो कि 25 है, और टारगेट्स के लिए 30 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो लेकिन MIC इलेक्ट्रॉनिक्स से अवॉइड की सलाह दे रहे हैं आप, साथ ही में ARS इंफ्रा में आपने कहा था बाय की सलाह, और इसी पैक में जो एक 52 हफ्ते के हाई बनाता हुआ निटको टाइल्स हमें नजर आ रहा है, निटको टाइल्स में भी अच्छी बढ़त दिख रही है, किरण आप इसमें क्या करने की सलाह देंगे, इसके आपको टेक्निकल चार्ट कैसे दिख रहे हैं? अभी हम 4% ऊपर इसको देख रहे हैं, आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है निटको टाइल्स में, और अब क्या करें इसमें? कल दोपहर से ही टाइल्स और अलाइड कंपनीज बहुत अच्छे तेजी में दिखाई दे रहे थे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहे हैं, उसकी बढ़त आज निटको टाइल्स में देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि GST के मामले के हिसाब से इस स्टॉक में कुछ हलचल मची हुई है, तो निटको टाइल्स में मेरा बाय रेटिंग ही होगा, स्टॉप लॉस 57 का होगा, टारगेट 74।